नमस्कार। एक 19 साल की लड़की एलिजाबेथ होम्स लोगों को बताती है कि वो एक ऐसी मशीन बना सकती है जो खून के सिर्फ कुछ बूंदों की मदद से करीब 200 मेडिकल टेस्ट कर पाएगी। इस प्रोसेस की कॉस्ट भी कम रहेगी, साथ ही इस प्रोसेस में लगने वाला जो टाइम है वो भी कम होगा। वो अपने इस प्रोजेक्ट पर सिलिकॉन वैली में काम करना शुरू कर देती है, जहां से एप्पल जैसी कंपनी शुरू हुई थी। अपने इस प्रोजेक्ट पर सक्सेसफुली काम करने के बाद वो कई सारे एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल को बताती है कि उसके अंकल को कैंसर हुआ था, जिसे वो पहले पहचान नहीं पाए और उसकी वजह से ही बाद में उनकी मौत हो गई। साथ ही वो लोगों को ये भी बताती थी कि उसे नीडल यानी सुई से काफ़ी डर लगता है, और इस वजह से जब ब्लड टेस्टिंग की बारी आती है तो उसे काफ़ी डर लगता है। और इसी का सलूशन निकालने के लिए उसने कुछ ऐसा सिस्टम लाया है जिससे पर्सन को नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही बॉडी से ज़्यादा खून निकालने की ज़रूरत होती है। बस आपकी उंगली से खून के कुछ ही बूंद लिए जाते हैं और सारी प्रोसेस उसके बेसिस पर की जाती है। उसने इन्वेस्टर्स को बताया कि उसने इस तरह का मशीन बना लिया है जो काफ़ी रिवोल्यूशनरी है, जिसके बाद इन्वेस्टर एलिजाबेथ की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स एलिजाबेथ की कंपनी में करीब 4-5 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिसके चलते एलिजाबेथ की कंपनी का वैल्यूएशन 9 बिलियन डॉलर तक चला जाता है, यानी 50 हज़ार करोड़ के भी ऊपर चला जाता है। सब कुछ सही से चल रहा होता है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे होते हैं। उसी बीच इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी डूब गई है। 9 बिलियन डॉलर की कंपनी कुछ ही टाइम में वर्थलेस हो जाती है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं रहता है। तो साल 2015 में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी सीधा हीरो से जीरो हो जाती है, तो इसे हम जानेंगे आज की केस स्टडी में। आज की केस स्टडी थेरानोस पर है, जो कि एक समय दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था। तो आज की इस केस स्टडी से एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर और प्रोडक्ट के जो यूजर्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और जो चीज़ें सीखने मिलेगी वो हमेशा के लिए याद भी रहेगी। तो आज की ये केस स्टडी बहुत ही यूनिक केस स्टडी है, आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी या देखी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। एलिजाबेथ होम्स का जन्म 1984 में वॉशिंगटन में हुआ था। बचपन से ही वो अलग अलग बिजनेसेस करते आ रही है। बचपन में वो C++ के कंपाइलर्स चाइनीज स्कूल्स में बेचती थी, और जब उसने स्टैनफोर्ड में एडमिशन ली तभी से उसने अलग अलग आइडियाज पर काम करना शुरू किया। साल 2003 में जब एलिजाबेथ 19 साल की थी तब उसने स्टैनफोर्ड के कुछ प्रोफेसर के साथ अपने आइडिया शेयर की। उसने बताया कि मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहती हूँ जो कि बस खून के कुछ बूंदों के बेसिस पर ही करीब करीब सारे टेस्ट कर पाए, साथ ही मशीन ऐसी हो जो कैंसर जैसी बीमारियों को पहले ही प्रेडिक्ट कर पाए। साथ ही वो चाहती थी कि टेक्नोलॉजी की मदद से इस पूरी प्रोसेस की जो टाइमिंग है वो भी कम हो जाए और जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाए। तो स्टैनफोर्ड के कुछ प्रोफेसर्स ने एलिजाबेथ के इस आइडिया का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ब्लड के बस कुछ ड्रॉप्स के बेसिस पर ये सारे टेस्ट कर पाना नामुमकिन है और ये फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है, तो ये प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन एलिजाबेथ को पता था कि जब भी कोई रिवोल्यूशनरी आइडिया आती है तो लोग उसे ना ही कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। इसलिए उसने कुछ और प्रोफेसर्स को अप्रोच किया और उसमें से कुछ प्रोफेसर्स एलिजाबेथ को ज्वाइन हुए। एलिजाबेथ का कहना था कि उसे ये सारा सिस्टम बदलना है। हम पिछले कई सारे सालों से ब्लड टेस्टिंग के लिए वही पुरानी मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई खास एडवांसमेंट नहीं हुई है, और वो चाहती थी कि ये पूरा प्रोसीजर वो रिवोल्यूशनाइज कर दे और खून के बस कुछ ही बूंदों के बेसिस पर ये सारा सिस्टम सिंपल और इजी कर दे। ये आइडिया कई सारे लोगों को बड़ी फैसिनेटिंग लगी, तो इसी आइडिया पर काम करने के लिए एलिजाबेथ ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम उसने रखा रियल टाइम क्योर्स। बाद में कंपनी का नाम बदलकर उसने थेरानोस रख दिया। थेरानोस दो शब्दों से बनता है, थेरेपी और डायग्नोसिस, जिसमें पहले 4 लेटर थेरेपी इस वर्ड से लिए गए हैं और लास्ट के 3 लेटर डायग्नोसिस में से उठाए गए हैं। जैसे कि लगभग हर कंपनी की सक्सेस स्टोरी में होता है, जब लोग एलिजाबेथ के आइडिया को ना कहने लगे तब एलिजाबेथ उन्हें कहती थी कि मैं इस आइडिया को रियलिटी में बदल दूंगी और पूरी मेडिकल सिस्टम को और हेल्थ केयर सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर दूंगी। अपनी इस आइडिया पर काम करने के लिए एलिजाबेथ ने स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट कर लिया और वो पैशनेटली अपने आइडिया पर काम करने लगी। जब भी एलिजाबेथ बात करती थी तो लोगों को उसकी आंखों में पैशन नजर आती थी। कुछ ही टाइम के अंदर एलिजाबेथ ने अपना डिवाइस रेडी कर लिया जो उसके प्लान के अनुसार काम कर रहा था। उसने अपने डिवाइस का नाम एडिसन रखा। उसने कहा कि जिस तरह थॉमस एडिसन अपने प्रोजेक्ट में कई बार फेल हुए फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया, उसी तरह जब हमने एडिसन पर काम करना शुरू किया यानी उस मेडिकल डिवाइस पर काम करना शुरू किया, तब हमें भी कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा और उसके बाद बहुत मेहनत के बाद ये प्रोडक्ट रेडी हुआ है और इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट का नाम एडिसन रखा है। एलिजाबेथ ने अपना ये प्रोडक्ट बनाने के बाद मीडिया पर्सन और इन्वेस्टर्स काफ़ी अमेज हो गए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं थी जो मेडिकल टेस्टिंग की पूरी प्रोसेस को इतनी आसान कर पाए। तो एलिजाबेथ के इस प्रोडक्ट ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। एलिजाबेथ के अनुसार उसकी ये कंपनी कैंसर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स को पहले ही डिटेक्ट कर पाएगी, जिससे जो डेंजरस बीमारियां हैं उनके बारे में पहले ही पता किया जा सकता है
और वो भी बहुत कम प्राइस में। तो अपने इस डिवाइस से एलिजाबेथ ने दुनिया को बता दिया कि जो घातक बीमारियां हैं उनका प्रिवेंशन पॉसिबल है। एलिजाबेथ के पास एक स्ट्रॉन्ग विजन था ब्लड टेस्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और उसके इस कन्विक्शन की वजह से ही बहुत सारे इन्वेस्टर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। एलिजाबेथ के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर थी। वो सामने वाले की आंखों में बिना पलके झपके बात किया करती थी। वो सामने वालों से बिना आई कॉन्टेक्ट तोड़े लगातार बात करती थी, जिससे सामने वालों को लगता था कि एलिजाबेथ एक बहुत ही फोकस्ड पर्सन है। कई सारे लोग उसे नेक्स्ट स्टीव जॉब्स समझने लगे थे, क्योंकि उसका पहनावा स्टीव जॉब्स की तरह ही होता था। उस स्टीव जॉब्स की तरह ही ब्लैक कार यूज करती थी, वो भी बिना लाइसेंस प्लेट की। तो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करके एलिजाबेथ ने इन्वेस्टर से टोटल $700 मिलियन रेज किए। जब भी एलिजाबेथ इन्वेस्टर से पैसा रेज करती थी तो उस टाइम एक कंडीशन होती थी। कंडीशन ये थी कि एडिसन मशीन की टेक्नोलॉजी एलिजाबेथ और थेरानोस किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगी, इन्वेस्टर्स के साथ भी नहीं। इसके पीछे ट्रेड सीक्रेट का रीजन बताया गया, ताकि कंपटीटर कंपनी उस चीज़ को कॉपी ना कर पाए। थेरानोस के बोर्ड पर स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर और US के सेक्रेटरीज थे, जिससे थेरानोस का बोर्ड काफी स्ट्रॉन्ग बोर्ड था, और उस वजह से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स थेरानोस की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। कई सारे इन्वेस्टर्स कहते थे कि जब वो एलिजाबेथ से बात करते थे तब उन्हें लगता था कि वो नेक्स्ट स्टीव जॉब्स से बात कर रहे हैं। एलिजाबेथ एक अच्छी मार्केटर भी थी, उसे पता था कि अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर कैसे किया जा सकता है, इसलिए उसने स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करना शुरू किया। एलिजाबेथ के काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स थे, और अपने विजन की मदद से वो स्टेट गवर्नमेंट को बताती थी कि अगर वो पेशेंट को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही अगर अलग अलग टेस्ट करने के लिए अलाउ कर दें तो ये चीज़ हेल्थ केयर से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, और आगे चलकर लोगों को जो बीमारियां हो सकती है उसके बारे में लोगों को पहले ही पता चल सकता है। एलिजाबेथ की इस थॉट से इन्फ्लुएंस होकर US के एरिजोना स्टेट ने डॉक्टर के अप्रूवल के बिना ही लोगों को टेस्ट ऑर्डर करने के लिए मंजूरी दे दी। एलिजाबेथ का प्रोडक्ट सब जगह छा रहा था, जिसके चलते कंपनी को उसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही थी। फॉर्च्यून मैगजीन ने तो एलिजाबेथ को कवर पेज पर जगह दे दी। अपने सक्सेस के चलते एलिजाबेथ उस टाइम दुनिया की सेल्फ मेड यंगेस्ट बिलियनियर बन गई, और जल्दी उसकी नेटवर्थ $2 बिलियन के ऊपर चली गई। साल 2015 में AskBio ने थेरानोस को बायोसाइंस कंपनी ऑफ द ईयर से नवाजा, लेकिन फिर अचानक से साल 2015 में ऐसा कुछ हुआ जिससे कंपनी काफी मुसीबत में चली गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने ये कहा कि एलिजाबेथ ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है। एलिजाबेथ जो बातें कर रही है उससे रियलिटी बहुत ही अलग है। और फिर यही से एलिजाबेथ का और थेरानोस का डाउनफॉल शुरू हुआ। उस टाइम थेरानोस दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था, जिसका पूरी दुनिया में अच्छा खासा नाम भी था, लेकिन अचानक से हुए इस आरोप की वजह से सब जगह खलबली मच गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के उस रिपोर्टर ने आगे ये भी कहा कि थेरानोस जो भी टेस्टिंग करती है उसमें से बस कुछ ही टेस्ट वो अपनी मशीन पे करती है, और ज्यादातर टेस्ट ट्रेडिशनल मशीन से ही करती है। वो दुनिया को बताते हैं कि सारी टेस्टिंग हम एक ही मशीन से कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी वैसी नहीं है। उनके पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। साथ ही उनकी एडिसन मशीन से जो भी टेस्ट वो कर रहे हैं उनकी एक्यूरेसी भी बहुत कम है, जिससे पेशेंट की लाइफ को खतरा हो सकता है। इसके बाद कई सारे रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। US की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि थेरानोस जो टेस्टिंग कर रही है उसमें कई सारी इररेगुलरिटीज हैं, जिसके बाद FDA ने उन्हें लैब चलाने से मना कर दिया, क्योंकि वो चीज़ पेशेंट के लिए घातक साबित हो सकती है। जब इन्वेस्टर्स ने भी इस पूरे मामले की जाँच की तब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, और एलिजाबेथ ने उन्हें फंसाया है। इन सारे आरोपों के बाद एलिजाबेथ अपने आप को डिफेंड करती रही। उसने कहा कि जब आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो तो लोग शुरुआत में कहते हैं कि आप क्रेजी हो, उसके बाद वो आपसे लड़ने लगते हैं, और उसके बाद जाकर आप चीज़ें बदल देते हो। तो चीज़ें बदलने की प्रोसेस आसान नहीं होती है। इस पूरी प्रोसेस में लोगों के अपोजिशन का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब SEC ने, यानी US के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और पता किया कि एलिजाबेथ ने फ्रॉड किया है, तो उन्होंने उन पर फ्रॉड के केसेस लगा दिए, जिसके बाद एलिजाबेथ के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें थेरानोस के एम्प्लॉयज़ को पता थी कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। जब वो मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ें बताते थे तो मैनेजमेंट उन्हें बताता था कि आप अपने काम से मतलब रखो। तो बाहर से तो थेरानोस की सारी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस थी, लेकिन कंपनी के अंदर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। वो बस लोगों से और कंपनी के इन्वेस्टर से झूठ बोल रहे थे। बाद में कंपनी के ऑपरेशन बंद हो गए और कंपनी बंद हो गई। साथ ही कंपनी में जो 800 लोग हैं उनकी जॉब भी चली गई। इस केस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद SEC ने एलिजाबेथ होम्स और कंपनी के CEO रमेश बलवानी इन दोनों पर फ्रॉड के चार्जेस लगा दिए। इस पूरे मामले को सुनने के बाद सबके दिमाग में यही सवाल आता है कि अगर प्रोडक्ट रेडी ही नहीं था, एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट ही नहीं था, तो फिर एलिजाबेथ ने इन्वेस्टर से इतने सारे पैसे कैसे रेज किए। तो चलो उसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो एलिजाबेथ ने ऐसे इन्वेस्टर्स को फंडिंग के लिए अप्रोच किया जिन्हें मेडिकल वर्ल्ड का बहुत ही लिमिटेड नॉलेज था,
जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन, वॉलमार्ट चलाने वाली वॉल्टन फैमिली एटसेट्रा। तो इन लोगों को मेडिकल फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उन्होंने बस एलिजाबेथ पर भरोसा करके और उसके विजन और कन्विक्शन को देखकर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। एलिजाबेथ ने कंपनी के बोर्ड को काफी स्ट्रांग बोर्ड बनाया, जिसके चलते कंपनी के बोर्ड पर बहुत ही स्ट्रांग लोग थे। साथ ही उसने फंडिंग भी ऐसे लोगों से उठाई थी जो बहुत ही पावरफुल लोग थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैरी एलिसन दुनिया के 7th रिचेस्ट पर्सन हैं, और वॉल्टन फैमिली के ज्यादातर मेंबर दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, जिसके चलते बाकी इन्वेस्टर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कॉन्फिडेंस। एलिजाबेथ बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन थी, वो जो भी बात कहती थी उसे ऐसा लगता था कि वो ये चीज बहुत ही कॉन्फिडेंटली और सच्ची कह रही है, जिसे लोग भी उस पर भरोसा कर लेते थे। बाद में जब ये फ्रॉड बाहर आया तब लोग ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि एलिजाबेथ इस तरह से उनसे कंटिन्यूअसली झूठ बोल सकती है। तो एक अलग ही लेवल का झूठा कॉन्फिडेंस एलिजाबेथ के पास था। तीसरी चीज, उसने ट्रेड सीक्रेट का बहाना बनाकर इन्वेस्टर्स और बाकी लोगों को अपने मेन प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी से दूर रखा। अब रीजन भी ऐसा था कि इन्वेस्टर उस पर कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में ट्रेड सीक्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। एलिजाबेथ इन्वेस्टर से कहती थी कि वो नहीं चाहती कि उनकी टेक्नोलॉजी लीक हो जाए और कंपनी के कंपटीटर्स उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर पाए। तो इन्वेस्टर्स ने एलिजाबेथ की इस बात पर भरोसा किया था, उन्हें लगा था कि ट्रेड सीक्रेट इसका रीजन है। उन्हें दूर दूर तक कोई भी भनक नहीं थी कि प्रॉब्लम काफी बड़ा है। तो ट्रेड सीक्रेट के इस पॉइंट पर एलिजाबेथ ने बहुत अच्छा खेला। वो इन्वेस्टर्स को प्रोडक्ट तो दिखाती थी, लेकिन ट्रेड सीक्रेट के नाम पर फंक्शनलिटी के बारे में बात करना टाल देती थी, जिसके चलते इन्वेस्टर्स भी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। एलिजाबेथ ने इन्वेस्टर्स को यह भी विश्वास दिला दिया था कि उसके प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज होते हैं। उसने इन्वेस्टर्स को बताया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अफगानिस्तान की बैटल फील्ड में थेरानोस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जहां से कंपनी को $100 मिलियन का रेवेन्यू भी आता है। बाद में पता चला कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस थेरानोस का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करती थी और ना ही वहां से कंपनी को कोई रेवेन्यू आता था। सिलिकॉन वैली की लगभग ज्यादातर कंपनीज दुनिया बदलने के वादे करती है और वो उन्हें पूरा भी करती है, इसलिए जब थेरानोस दुनिया बदलने की बातें कर रही थी तो इन्वेस्टर्स ने उन बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था, एलिजाबेथ का विजन, उसके प्रोडक्ट्स और वो खुद फेक है, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्टोरी टेलिंग सब कुछ झूठ है। तो एलिजाबेथ एक बहुत ही कोल्ड माइंडेड स्कैमस्टर थी, जिसने बहुत ही स्मूथली टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, जिससे इन्वेस्टर की पूरी $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चूर चूर हो गई और कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन से जीरो हो गई। अब इस पूरे मामले को देखकर ये पता चलता है कि या तो एलिजाबेथ पहले से ही झूठा विजन लेकर आई थी और फ्रॉड करना चाहती थी, या फिर वो अपने विजन को लेकर ओवर ऑप्टिमिस्टिक थी, जिसके चलते जब लोग उसके आइडिया को ना कहने लगे उसके बावजूद भी उसने उस विजन पर काम करने का सोचा। साथ ही जो प्रोडक्ट प्रैक्टिकल नहीं है उसे बनाने के बारे में सोचा, और जब प्रोडक्ट नहीं बन पाया तो ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्लैमर मिलने की वजह से और इन्वेस्टर से फंडिंग मिलने की वजह से उसे झूठ पर झूठ बोलने पड़े। तो केस दोनों में से चाहे कोई भी हो, है तो वो फ्रॉड ही। तो एज एन इन्वेस्टर, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उस कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बारे में बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट का भी एनालिसिस करें। यहाँ पर जो फ्रॉड हुआ है वो कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से ही हुआ है। तो ये थी एलिजाबेथ होम्स के फ्रॉड की पूरी कहानी। फिलहाल फिनोवेशंस में स्कॉलर फीस चल रहा है, जिसमें हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 33% ऑफ दिया जा रहा है बिना कोई टर्म या कंडीशन के। साथ ही इन ऑफर्स में कोर्सेज की जो वैलिडिटी है वो 1 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम की जाएगी। तो इस तरह की बहुत बड़ी ऑफर आपको शायद ही फिर कभी मिलेगी, तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।